हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पहली बार मैंने रिकॉर्ड करा, देखा कैमरे में, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फोन्स के बारे में जिसको मैं पर्सनली चाहता था कि वो फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो। और अगर वो फ़ोन इंडिया में लॉन्च होते तो मेरे हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा एक टक्कर देखने को मिलता स्मार्टफोन गेम में। देखो, इस वीडियो को हम तीन सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। पहला सेगमेंट जो कि हमारा बिल्कुल प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट है, जिसमें जो कि कंज्यूमर लेवल पर अभी गया नहीं है। दूसरा जो हमारा कंज्यूमर लेवल है उसमें अल्ट्रा प्रीमियम, जो सबसे प्रीमियम है लेकिन वो कंज्यूमर लेवल पर है। और जहाँ पर हमारा तीसरा सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे अपने मिड रेंज सेक्शन के फोन्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम कंज्यूमर लेवल से ऊपर एक अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो उसमें आते हैं हमारे फोल्डेबल्स। और मैं कंज्यूमर लेवल से ऊपर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि फोल्डेबल्स आपने कितने लोगों के हाथ में देखा है। मैंने तो मतलब यूट्यूबर्स और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा नहीं देखा किसी के हाथ में। तो अभी जो फोल्डेबल्स हैं हमारे, वो कंज्यूमर के लेवल तक इतने ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए मैं इसे कंज्यूमर ग्रेड फ़ोन नहीं मानता आज भी। ऑब्वियसली हमारा जो फ्यूचर है वो फोल्डेबल फ़ोन्स का होने वाला है, लेकिन अभी के लिए हम इसको अलग रख के चलते हैं कि वो तो देखो भाई अभी प्रैक्टिकल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने फोन्स हैं, अगर आप मतलब उंगलियों पे गिन सकते हो, और उंगलियों पर भी केवल सबसे पहला जो नाम आएगा सैमसंग फोल्ड 2 बस। इसके अलावा कौन सा फोन है, रेजर मोटोरोला का जो है उसको हटा दो, क्योंकि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और प्लस उसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज हमें अभी लेने के लिए ले सकते हो, अभी कोई भी इसका कोई खास वो यूज नहीं है। दूसरा हमारा आ जाता है सैमसंग का ही जी फ्लिप, वो भी मतलब इतना ज्यादा यूजेबल नहीं है क्योंकि उसमें आप कॉन्टेंट को भी इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे और अपना जो काम है वो भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो उसका जो है वो बहुत ही अजीब है, मतलब काफी लंबा फोन है। तो ये दोनों जो है वो हमारे कॉम्पिटिशन से बाहर जा चुके हैं। और बच जाता है फोल्ड 2, जो कि एक प्रैक्टिकल मतलब यूज भी कर सकते हो आप और लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो इसी में अगर मैं बात करूं कि मैं चाहता हूं कि एक और फोन हमारे इंडिया में होना चाहिए था, वो है हुआवे का मेट XS। अब हालांकि अभी 2020 में ही ओप्पो ने अपना ओप्पो X 2021 वाला फोन दिखाया है, तो उसने जो हमारे फोल्डेबल्स आज के हैं उसकी जो थोड़ी बहुत डाउन साइड्स है ना उनको हटा दिया है, मतलब कुछ डाउन साइड्स को हटा दिया है और कुछ उसमें शायद नई डाउन साइड्स आ सकती हैं, लेकिन वो तो खैर अलग बात है। और क्योंकि वो एक प्रोटोटाइप है इस वजह से उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हुआवे मेट XS के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे ही आप इस फोन को अपने हाथ में, किसी और के हाथ में या फिर यूट्यूब वीडियोज में देखोगे तो सबसे पहला ख्याल जो आपके मन में आएगा वो है कि यार ये फोन कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखता है। मतलब बाहर की तरफ फोल्ड होना, ऊपर से खुलने के बाद केवल 5 mm की थिकनेस रखना, आपके जो पकड़ने के लिए ये चीज दी गई है यहाँ पर पकड़ के आप फोन को अच्छे से यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें इस फोन को ओवरऑल एक प्रैक्टिकल यूज के लिए काफी बेहतरीन बना देती है। और साथ ही साथ इसके लुक्स में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को नहीं मिलता। प्लस ये चीज और ज्यादा एडवांस लगती है जो कि अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं उसके मुकाबले अगर हम देखें तो। इसमें यहाँ पर डिजाइन में जो दूसरी कमाल की चीज करी गई है वो है इसके जितने भी कैमरा सिस्टम है, वो जितने भी PCBs हैं, आपका जो SoC वगैरह है, जो आपका मॉडम वगैरह है, वो सारी चीजें इस लाइन के अंदर डाली गई हैं। बाकी जो आपका डिस्प्ले है उसमें सिर्फ बैटरी है, उस बैटरी को कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम है और आपका डिस्प्ले है बस। इसी वजह से ये खुलने के बाद सिर्फ 5 mm की थिकनेस इसकी रह जाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है। और इसको देखने के बाद आने वाले जो फ्यूचर फोल्डेबल डिवाइसेज हैं उसमें हमें ये चीज इम्प्लीमेंट होती कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बाहर की तरफ फोल्ड होने की वजह से इसने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करा, जो कि था दो दो तरह के कैमरास को यूज करना। जैसे गैलेक्सी फोल्ड 2 में आपको अगर फ्रंट कैमरा का यूज करना है तो आपको ये वाला कैमरा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बैक कैमरास की बात करें तो जो आपके प्रीमियम कैमराज है, जो सबसे बेस्ट सेंसर लगा हुआ है फोन के अंदर, उससे आप केवल बैक की फोटोज ले सकते हो, लेकिन यहाँ हुआवे से आप फ्रंट कैमरा से भी बिल्कुल वही फोटोज ले सकते हो जो आप बैक कैमरा से ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में सेंसर वही यूज होगा। तो यहाँ पर आपको क्रिस्प, डिटेल्ड और बहुत ही अच्छी सेल्फीज देखने को मिलेंगी। इस फोन को देखते ही सबसे पहला जो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जितने भी हमारे फोल्डेबल्स हैं उसमें प्लास्टिक ओलेड स्क्रीन ही आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक प्लास्टिक बेस्ड ओलेड डिस्प्ले ही है जिसके ऊपर 7 प्लास्टिक की लेयर लगाई गई है ताकि इसके ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाया जा सके। स्क्रैच वगैरह लगना इसमें आम बात है, देखो प्लास्टिक स्क्रीन है, इसमें स्क्रैच आपके लग जाएंगे, लेकिन
प्लास्टिक स्क्रीन का एडवांटेज भी यह है कि ये गिरने पर टूटेगा नहीं, और क्योंकि ये एक फोल्डेबल डिवाइस है तो स्क्रैच लगना तो इस पर एक आम बात है, और वैसे भी इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव प्लास्टिक की लेयर लगेगी, आपके जो एक्चुअल डिस्प्ले है उस पर स्क्रैच नहीं रहेगा, सबसे ऊपर जो आपकी लेयर रहेगी उसके ऊपर आपको स्क्रैच देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि वो कोई नॉर्मल स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं रहता, वो कंपनी के द्वारा इंस्टॉल करा गया ही रहता है जो कि आप नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारा जो कंज्यूमर लेवल से ऊपर का प्रीमियम सेगमेंट था वो। अब अगर हम कंज्यूमर लेवल पर आएं, जो ऐसे हमारे फोन्स होते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जो बहुत सारे लोग खरीदते हैं एक्चुअल में, तो उस कैटेगरी में मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ और फोन्स हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा हुआवे का ही मेट 40 प्रो। इस फोन को हाथ में लेते ही आपको सबसे पहले दिखेगा इसका बड़ा सा कैमरा लेआउट, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वेल, अगर हम हुआवे को देखें ना, तो ओवरऑल इनका जो हार्डवेयर होता है वो टॉप क्वालिटी का होता है। इनका जो कैमराज होते हैं वो बहुत ही इंडस्ट्री लीडिंग जो कैमराज है उनसे टक्कर लेते हैं। इसमें दिक्कतें आनी तब से शुरू हुई जब यूएस ने हुआवे को बैन कर दिया और गूगल हुआवे के साथ अब कोई भी काम नहीं कर सकता था, तो इसकी वजह से हुआवे को कोई भी गूगल का सपोर्ट नहीं मिलता, उस पर कोई भी एंड्रॉइड आपको देखने को नहीं मिलता। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम वापस आते हैं अपने मेट 40 प्रो पर। अगर आप अभी के सबसे बेस्ट कैमरास को देखो, जो कि S20 अल्ट्रा में या फिर iPhone 12 Pro Max में है, तो उसके मुकाबले आप यहां पर देख सकते हो कि इसमें कितनी बेहतरीन फोटोज आती हैं। इसका जो खुद का AI सिस्टम है वो बहुत ही कमाल काम करता है, और इस फोटो में आप देख सकते हो iPhone की जो फोटो यहां पर है वो बिल्कुल रियल है। मतलब वहां पर जो हमें रियल आंखों से दिखेगी वो है, सिंपल, उसमें कोई भी आफ्टर प्रोसेसिंग नहीं करी गई है इतनी ज्यादा। सैमसंग ने थोड़ी सी करी है, मतलब ये दिखाने की कोशिश करी है कि हाँ, ये वाला हिस्सा हमारा डार्क है तो इसको हम थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं। लेकिन हुआवे ने यहाँ पर देखो कितना खतरनाक काम करा है। मतलब उसने यहाँ पर देखा कि ये चीज पूरी डार्क है तो इसको क्या करो, बढ़ा दो, क्योंकि उसको लगता है कि आपको वो नहीं देखना जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो। उसको चाहिए कि एक्चुअली में ओवरऑल फोटो जो दिखे वो अच्छी दिखनी चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आईफोन से जब आप फोटो खींचोगे तो ये जो खिड़की है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, वहां पर आपको बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर हुआवे में आप देखोगे तो यहाँ पर के सॉफ्टवेयर ने देखा कि वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइट है, इस लाइट को कम करो उस सेक्शन में, तो उसको कम करने के बाद बाहर जो डिटेल्स थी वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें कभी कभी तो काम कर सकती है, लेकिन कभी कभी ये चीज अननेचुरल लगती है, तो इस वजह से कभी कभी ये इसका प्लस पॉइंट भी है, कभी कभी इसका माइनस पॉइंट भी बन सकता है। लेकिन ओवरऑल इस सेक्शन में अगर हम देखें तो अभी इंडिया में केवल दो ही फोन है, आईफोन और सैमसंग। लेकिन अगर ये फोन भी इंडिया में लॉन्च होता तो हमारे पास एक और तीसरा अल्टरनेटिव हो सकता था। पहले क्या था, पहले गूगल पिक्सल हमारा कॉम्पीट कर जाता था, लेकिन अब गूगल अपने बिल्कुल हाई एंड फोन नहीं निकाल रहा, वो मिड टियर में खेलना चाह रहा है। हालांकि 70,000 का फोन निकाल के वो मिड टियर में तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो वो खेल रहा है वो अब कम खेल रहा है, उसने जो प्रोसेसर दिया वो कम दिया है। बाकी कैमराज हाँ उसके बेस्ट क्लास होते ही हैं, लेकिन अब गूगल सैमसंग और एप्पल से मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो इसी वजह से हुआवे का मार्केट में आना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्रिएट कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि उसमें गूगल का सपोर्ट भी नहीं है और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएंगी, तो इस वजह से भी वो फोन अभी यहां पर नहीं आया। और आता भी तो मैं पर्सनली, अगर आप एक टेकी नहीं हो तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता वो, लेकिन पर्सनली मैं चाहता था कि ये फोन इंडिया में आना चाहिए था। इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी वो ये थी कि इसमें आपको किरिन 9000 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दुनिया का दूसरा 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है। लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर है जिसके अंदर ही आपको 5G का मॉडेम देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं आईफोन की, जिसमें A14 है, इसमें 5 नैनोमीटर का दुनिया का पहला प्रोसेसर आया, लेकिन इसमें जो मॉडेम है वो स्नैपड्रैगन का है, क्योंकि एप्पल नेटवर्किंग में काम नहीं करता, इसी वजह से उसको नेटवर्किंग के लिए दूसरी कंपनी पर रिलाय होना पड़ता है। तो उसने स्नैपड्रैगन से X55 मॉडेम यहां पर लिया 5G के लिए। लेकिन क्योंकि हुआवे आपका नेटवर्किंग में भी काम करता है और वो चिप्स भी बनाता है, इसी वजह से उसने इन दोनों चीजों को एक ही SoC के अंदर मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से फोन की एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ गई। मतलब उसी काम को करने में हुआवे कम बैटरी कंज्यूम करेगा इन कंपैरिजन टू आपका आईफोन, क्योंकि इसमें क्या है, आपके मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए, आपके मॉडेम से बात करने के लिए प्रोसेसर को एक अलग सर्किट में सिग्नल भेजना पड़ता है, जबकि हुआवे के अंदर उसी सेम चिप में आपका मॉडेम और आपका जो प्रोसेसर है वो दोनों है, तो इस वजह से एफिशिएंसी उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से सैमसंग में जो आपका एक्सिनोस मिलता है उससे तो किरिन काफी बेहतरीन प्रोसेसर है, और इस वजह से मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता था। अब अगर हम इसी सेगमेंट में एक और फोन की बात करें तो वो है MI 10 अल्ट्रा। अब जैसा कि इसके नाम में आपको अल्ट्रा देखने को मिलता है,
उसी तरह इस चीज में हर चीज बिल्कुल अल्ट्रा है। Xiaomi की अगर हम बात करें तो उसकी ऑन पेपर जो चीजें होती हैं वो सबसे बेस्ट क्लास होती हैं। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, 120x का जूम आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इसमें आपको दुनिया का सबसे तेज 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये फोन 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग मतलब ये बहुत ही कमाल की स्पीड है। साथ ही साथ इसमें 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है। जो आपके नॉर्मल डिस्प्लेज होती हैं वो 8 बिट कलर गैमेट की होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 10 बिट की कलर डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 जो कि ऑब्वियसली सबसे बेस्ट था अभी तक का। उसके बाद आपको जो स्टोरेज सिस्टम मिलता है वो भी UFS 3.1 का मिलता है, जो कि सबसे तेज है। इसमें आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिलती है, जो कि अभी तक की सबसे तेज है। तो कुल मिलाकर अल्ट्रा जो नाम है उसी के हिसाब से यहाँ पर स्पेक शीट भी आपको देखने को मिलती है ऑन पेपर। और ऑब्वियसली ये फोन क्योंकि Xiaomi की तरफ से आता है तो ये फोन जो कंपटीशन है उसके मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता हमें देखने को मिलता। लेकिन अब यहाँ पर अगर इंडिया में ये लॉन्च हो भी जाता तो भी इसकी सेल्स को लेकर मैं कहीं मतलब डाउट में था। क्यों? क्योंकि देखो यार, हम इंडियंस की बात करें ना तो 50,000 से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सैमसंग, आईफोन, और अब जाकर कहीं इंडियंस OnePlus को भी कंसिडर करने लगे हैं, जिनको मतलब टेक के बारे में पता है। जिनको नहीं पता है वो सैमसंग और आईफोन पर ही टिके हुए हैं। तो अगर ऐसी सोसाइटी में या फिर ऐसे जहां पर पीयर प्रेशर का इतना बड़ा दबाव होता है लोगों पर, तो इस वजह से अगर MI का फोन 60-70-80 हज़ार का अगर फोन लॉन्च होता है बिल्कुल तगड़ी यही स्पेसिफिकेशन के साथ, तो भी एक बार को जो नॉन टेकी बंदा है वो तो 10 बार क्या कई बार सोचेगा कि यार MI का फोन 70,000 का, इससे अच्छा आईफोन ले लो। तो ये भी एक वजह है कि Xiaomi जो है वो अभी केवल मिड सेगमेंट में ही खेल रहा है। उसका टारगेट ही यही है, उसको आगे जाना ही नहीं है, उसको खेलना ही नहीं है इतना बड़ा। वो अपना जहाँ पर खेल रहा है वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है और अभी उसका प्लान वही है। इसी वजह से ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ और इसी वजह से Xiaomi के जितने भी बड़े जो हाई सेगमेंट वाले फ़ोन है, जो प्रीमियम सेगमेंट के फ़ोन है, वो इंडिया में लॉन्च नहीं होते। लेकिन अगर ये फ़ोन लॉन्च होता तो मे बी मैं गलत हो सकता था और मैं चाहता हूं कि मैं गलत होता और लोग मतलब अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करें, ताकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा देखो उतने ज्यादा प्राइसेस कम होंगे और उतना ही हम कंज्यूमर्स का फायदा होगा। तो कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो मैं विश करता कि ये फोन इंडिया में लॉन्च होता और इसकी सेल्स भी अच्छी होती, ताकि जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें एक और कैंडिडेट हमारा सामने निकल कर आता। तो ये तो हुई हमारी प्रीमियम सेगमेंट की बात। अब हम बात करते हैं अपने मिड रेंज की। तो ये है मेरे पास K20 Pro। ये फ़ोन भाई अपने टाइम का बेस्ट फ़ोन था इस प्राइस में। 30,000 के अंदर आपको यहाँ पर सबसे बढ़िया डिस्प्ले मिलती थी। मतलब Redmi के अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिल रही है, AMOLED डिस्प्ले, जो कि एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है Redmi और AMOLED का। उसके बाद इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड प्रीमियम फ़ोन फील होता है हाथों के अंदर। इसके कैमराज, आपके जितने भी कैमरा है, अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो, तीनों लेंसेज आपको देखने को मिलते हैं और मतलब काफी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और ये ओवरऑल सारा का सारा पैकेज आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए के अंदर देखने को मिला था। मतलब यार अब क्या लोगे तुम एक फोन के अंदर? सबसे बेस्ट SoC, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सारी चीजें आपको सिर्फ 30,000 के अंदर एक साल पहले। तो ये बहुत ही बेहतरीन फोन था और इसी का सक्सेसर अब निकल कर आया है K30 Ultra। और मैं दिल से ये चाहता था कि भाई ये फोन इंडिया में जरूर आना चाहिए। इसमें जितनी भी चीजें आपकी मिस हो गई थी K20 Pro से, वो सारी चीजें इसके अंदर डाली गई। बस इसमें एक चीज की आपको कमी लग सकती है कि इसमें MediaTek का प्रोसेसर यूज करा गया है, ना कि Snapdragon का। लेकिन MediaTek का भी सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर है 1000 सीरीज का, वो यहाँ पर यूज़ करा गया है। इसमें आपको इम्प्रूव्ड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें HDR10 का सपोर्ट है। इसमें ब्राइटनेस बढ़ा दी गई है, इसका जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन कर दी गई है K30 Ultra में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्टीरियो स्पीकर्स। अब स्टीरियो स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग इसको मतलब एक मेजर एडवांटेज नहीं मानते। वो लोग मतलब उनको पता नहीं है कि स्टीरियो स्पीकर्स का मतलब क्या है। तो ये चीज़ वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने इस स्पीकर्स को यूज़ करा है। जैसे अगर आप इन फोन्स को यूज़ करते हो ना, इसमें जो स्टीरियो स्पीकर हैं उससे आपको जब ऐसे पकड़ के देखोगे फ़ोन को तो आपको ऐसा लगेगा कि आवाज़ यहाँ से और यहाँ से आ रही है। अगर किसी ने कुछ यहाँ से मतलब पंच मारा है, या फिर जो साउंड डिज़ाइनिंग करी गई है वो ऐसे करी गई है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ जाए,
तो आपको बकायदा फील होगा आपके एक कान से दूसरे कान में जाती हुई चीजें। तो वो चीजें जब आप रियल में एक्सपीरियंस करोगे तो वो बहुत ही कमाल लगती है चीजें देखने में। इससे आपका जो ओवरऑल कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली 5G तो वो है ही। और ये सारी चीजें अगर इमेजिन करो आपको 30,000 के अंदर देखने को मिलती, तो मतलब अगर हम 20,000 से 30,000 के सेगमेंट में देखें तो मोस्टली जो सबसे पॉपुलर फोन है वो तीन ही फोन है, आपका M51 सैमसंग की तरफ से, OnePlus की तरफ से OnePlus Nord, और तीसरा जो है हमारा Google Pixel 4a। तो Google Pixel 4a उसके बिल्कुल अलग कंज्यूमर है, वो मतलब आपके पापा मम्मी या फिर जो बड़े लोग हैं जिन जो इतने ज्यादा टैकी नहीं है उन लोग को अगर यूज करना है तो वो उनके लिए सबसे बढ़िया है। सिंपल, सस्ता तो नहीं, सिंपल और टिकाऊ फोन। दूसरा आपका जो M51 है उसमें अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना है, आपको एक इन्वर्टर साथ में लेकर चलना है, तो वो मतलब 7000 mAh की बैटरी है उसकी, तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो मेन जो आपका ओवरऑल फ़ोन बच जाता है, जो गेमिंग के लिए भी हो, कंटेंट के लिए भी हो, ओवरऑल कैमराज वगैरह भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो वो आपका बच जाता है OnePlus Nord। तो उसको ये बहुत बेहतरीन टक्कर दे सकता था और मतलब हो सके तो तोड़ भी देता, जैसे केस में हुआ था आपका Redmi K20 Pro में और OnePlus 7 में, जब ये दोनों आपस में थे तो सेम प्राइस था, तो इस वजह से बहुत ही अच्छा कंपटीशन हमें वहाँ पर देखने को मिला था। तो K30 Ultra अगर यहाँ पर आता तो भी हमें काफ़ी अच्छा एक कंपटीशन देखने को मिल सकता था मार्केट में इस सेगमेंट के अंदर। तो वेल, ये थे 3 या 4 फोन्स जो कि मैं पर्सनली चाहता था कि इंडिया में लॉन्च हों। और हाँ भाई, ये सारे के सारे चाइनीज फ़ोन है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। देखो, अगर आप कंज्यूमर लेवल पर देखो तो आपका फ़ायदा होना चाहिए कुल मिलाकर, मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी ठीक है, जैसा है ठीक है। तो बस मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।